प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरोग्य अंग से एक बहुत ही बेहतरीन इलाज की पद्धति लेकर आया हूँ, जल तत्व से। दोस्तों, बहुत तरह तरह की हमारे आयुर्वेद में विधि दी गई हैं इलाज की, उसमें से जल तत्व एक बहुत ही बेहतरीन, और इस पर रिसर्च भी हो चुका है। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि जल में ऐसी प्रवृत्ति होती है, अगर आप उसमें कुछ भी बोलते हैं तो वैसे ही क्रिस्टल बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मसारो करके एक वैज्ञानिक है जापान के, आप देखेंगे उसमें उन्होंने रिसर्च किया है कि अगर जल में पॉजिटिव अफर्मेशन, आप अगर डेली नियमित आप एक कांच का ग्लास लीजिए और उसमें आपको क्या बोलना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं है, बीमारी का नाम नहीं लेना, बस ये कहना कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसा करके पानी को रख दीजिए और फिर उसी पानी को पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहते हैं कि उसमें वैसे ही क्रिस्टल बन जाते हैं और फिर वो आपके अंदर जाके आपको बॉडी को वैसा हील करते हैं और वो बीमारी आपकी ठीक होने लगती है। दोस्तों, हमारे ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया, ऐसा शरीर दिया है कि हम सभी बीमारियों को ऐसे ही हमारी बॉडी हील कर सकती है, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं उस जल के द्वारा। दोस्तों, आपको अगर व्हाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग है तो आपको दोस्तों नियमित 8 से 10 गिलास पानी कम से कम तो पीना ही पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग को ठीक करने में बहुत ही सहायता मिलेगी और बहुत तेज़ी से रिकवरी आएगी, बहुत तेज़ी से ठीक होंगे। अगर आप जल का सेवन कम करते हैं तो फिर आपको वो रिकवरी उतनी फास्ट नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए जल का सेवन आपको नियमित करना है। और अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको और भी फायदा पहुंचाएगा। गर्म ही पानी पिए, जब भी पिए आप गर्म पानी पिए, और ये अफर्मेशन वाला ज़रूर करें, उससे आपको बहुत, हाँ, साथ में उन लोगों को ये ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जो लोग सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन का मतलब ये है कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, किसी भी तरह का स्मोकिंग नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, और सुपाच्य भोजन लेते हैं। सुपाच्य भोजन का मतलब ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट फूड। स्प्राउट फूड का मतलब है अंकुरित चीज़ें, अंकुरित चीज़ें खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 जो पॉइजन है आपकी बॉडी के लिए उनको छोड़ देना है, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड, किसी भी तरह का रिफाइंड, और पैक्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, और आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। इन चीज़ों से मैं आपको जो अफर्मेशन की विधि बता रहा हूँ आप ज़रूर उसको ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, एक कांच का ग्लास लेना है और आपको उसमें बोलना है, 1 मिनट तक बोलना है, 1 से 2 मिनट तक बोल सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, आई एम वेरी हेल्दी। ऐसा अगर आप उस कांच के गिलास में आधा गिलास भरिएगा और उसमें बोलना है अफर्मेशन, और नियमित बोल कर आपको उस गिलास को ढक कर रख देना है, फिर 4 घंटे बाद आपको वही पानी अफर्मेशन वाला, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ कहकर पी लेना है। ऐसा आप 41 दिन तक करते हैं। दोस्तों, ये वैज्ञानिकल रिसर्च है कि अगर हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए किसी भी चीज़ को, सिर्फ ये मैंने 41 दिन बताया लेकिन रिसर्च में 21 दिन है, अगर 21 दिन आप करते हैं तो आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाती है और हील कर देती है आपको, आपके बॉडी को वो बीमारी स्वतः ही ख़त्म होने लग जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जल तत्व द्वारा इलाज, आप उसको अपनाइए। कोई पैसे की वो नहीं है, मुफ्त में है, आप जल पीते ही हैं, पानी का उपयोग करते हैं, तो आप इस विधि द्वारा जल का उपयोग करें। जब भी आप पानी पिएं तभी आप बोलें कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये दोस्तों आयुर्वेद अंग से मैं आपके लिए ये टिप्स लेके आया हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।